मेरी माँ। ये कंबल ओढ़ के क्या छिपा रहा है अपनी माँ से? अपने शरीर के जख्म। हमारी भारत माता के शरीर पर जितने जख्म हैं, उसके मुकाबले में मेरे जख्म तो कुछ भी नहीं। रो मत माँ, लोग क्या कहेंगे? भगत सिंह की मां रो रही है। तू सही कह रहा है, इतने बहादुर बेटे की मां कमजोर कैसे हो सकती है? अब क्या हुआ मां? तुझे छूने को बहुत दिल चाहता है। दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया है भगत सिंह। दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। ऑल थ्री टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल दे आर डेड। धन्यवाद आपका। सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्थान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म का 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होता है, रिश्तेदारों का होता है, जो हुक्म दिया गया है मानो। नहीं, मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा, नहीं कर सकता मैं ये हुक्म पूरा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। इतना बड़ा सुन मत करो। अरे तुमको उत्तर वाले का वापस सवाल ये मत करो। अरे माँ बाप आएंगे तो किससे मिलेंगे? राजों से। अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्ल पर देखने दो जालिमो। तुम्हारी ये तो सरकार है ना, ये फटेगी नहीं, हमें तो गिरेगी गिरेगी। ये मेरी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। दो पन्ने रह गए थे, पढ़ लो। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अल्फियां जब उठेंगी शहीदों की, हो तुम सब्र खो न आंसुओं से ही आंखें भिगो न नहीं।
राम तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना होगा। खोल दो इनके हाथ। Thank you.